सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई चैनल विच इज़ त्यागी बंधु ब्लॉग्स। सो गाइज, ये हमारा एक कैंप चला है जिसमें मैं आपको गांव के लोगों में घर घर जाके कैंप चला है जिसमें टीवी के बारे में हम उनको अवेयर कर रहे हैं। तो गाइज देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दिए यदि नए हो, और प्रेस करिए बेल आइकन। हेलो गाइज, सो देखिए, हम पहले, ये हमारा पहला घर है जहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं। तो इस पे लोग अभी खाना खा रहे थे, तो एक भैया आए हैं, उनको मैं थोड़ा टीवी के बारे में अवेयर करूँगा और बोलूँगा। और ये गांव हमारा शिमली शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है और चौपाल तहसील में आता है। गांव का नाम आर है। और यहाँ पे यार लोग बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब यदि आप किसी के घर जाते हो तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। ये शहरों की तरह सेल्फिश नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत ही सीधे साधे और बोलने वाले होते हैं। और दूसरी बात, मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि यार गाँव में लोग, हम टीवी के बारे में अवेयर कर रहे थे और हमें पूछना था कि यदि कोई पेशेंट है ऑलरेडी आपके घर में जो इन्फेक्टेड है, डायबिटिक पेशेंट है या कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, क्योंकि ये जो टीबी है ये मोस्टली जल्दी ऐसे लोगों को फैलती है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है। तो इसलिए हम इसलिए ज़्यादा पूछ रहे थे कि कोई घर में शुगर का पेशेंट तो नहीं है या ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि हमें आशा वर्कर्स जो है उनके थ्रू हमें स्पूटम कलेक्ट करना था। लेकिन अभी तक गांव से हर कोई लोग कह रहा था कि ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, क्योंकि हर घर में, चलिए ये तो अच्छी बात है कि ऐसा पेशेंट ना हो, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कहीं जहाँ पे पेशेंट थे ऐसे, लेकिन वो इनकार कर रहे थे। और खासकर अवेयर नहीं है गांव के लोग इन चीज़ों के बारे में कि क्या है। फिर मैंने भैया को समझाया कि हमारे को ऐसे सैंपल चाहिए जो स्पूटम सैंपल चाहिए आशा वर्कर के थ्रू, जो लोग जिसमें हम वो जांच करेंगे कि आपके स्पूटम में आपको टीवी है या नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा है कि जैसे हम गांव गांव पे आशा वर्कर्स जा रहे हैं तो वो गांव पे लोगों का स्पूटम कलेक्ट करके ला रहे हैं। यदि कोई लोग अपनी चेकअप के लिए जाएगा, उसे पहले शिमला जाना पड़ेगा या कहीं और हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसका बहुत सारा खर्चा होता है। तो इससे बेटर है यार आपके घर आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें अपना स्पूटम देने में, क्या ये कोई ब्लड तो नहीं है या कोई ज़्यादा टिपिकल काम तो नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल काम है करना, क्या ये हमारे आशा वर्कर हैं, ये अभी लिख रहे हैं, इनका एड्रेस, नाम, सब कुछ, वेट, उम्र, आपका वेट लूज़ तो नहीं हुआ, और इनको थोड़ा बहुत टीवी के बारे में हमने बताया कि टीवी किस तरह से फैलता है और क्या क्या लक्षण है। यदि आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो तो आप तुरंत अपनी जाँच करवाएँ, या आपका वेट कम हो रहा है, या आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है, या सांस लेने में कोई दिक्कत आ रहा है, या आपको सवेरे सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 4 AM इन द मॉर्निंग आपको बुखार आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो ये थोड़े बहुत मेन जो लक्षण है टीबी के हैं। तो हमने थोड़ा पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में इनको लोगों को बताया। लेकिन चलो, लोगों ने सैंपल दिए या ना दिए छोड़ो, लेकिन लोगों बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं गाँव में, और गाँव का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। और देखते रहिए वीडियो के यार, यदि वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इधर उधर का व्यू देखो कितना अच्छा है, और लोग देखो कि किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमें बड़ा आनंद आया इनके साथ बातचीत करके, और हमने अवेयर जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अवेयर किया, और इन्होंने हमें खाने के लिए ऑफ़र किया, और यहाँ तक कि भी हमें कई फ्रूट्स ऐसे प्रोवाइड करवाए, हमारे को चाय के लिए ऑफ़र किया, वो बहुत अच्छा बात था। और गांव में, गांव यार बहुत अच्छे होते हैं। आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आगे देखते रहिए। मैं आपको आपको चारों ओर का व्यू बताऊंगा कि आर जो गांव है कैसा है, और इधर उधर की जो ब्यूटी है, नेचर है, वो सब कुछ बताऊंगा। सो गाइज, अब हम दूसरे घर के लिए जा रहे हैं। ये भी इन्हीं का घर था जो हमने अभी दिखाए, लेकिन अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है। लोग अक्सर जो ब्रेकफास्ट होता है गांव का, जो नाश्ता होता है, वो ये थोड़ा लेट करते हैं क्योंकि पहले अपने सारे काम निपटा लेते हैं, और काम कुम जब निपट जाते हैं तो फिर उसके बाद ये नाश्ता करते हैं सुबह का। तो देखिए, गांव में हमें एक आंटी जी मिले, वो सुबह का अभी नाश्ता ही कर रहे थे। उन्होंने हमें ऑफ़र किया नाश्ता करने के लिए, चाय के लिए, पानी के लिए, और वो अपने सिलाई मशीन जो बाहर रखे हैं तो इनसे भी हमने इनकी डिटेल ली सब कुछ। और देखिए इधर उधर का व्यूज़ देखिए, चारों ओर का देखिए कि किस तरह से कितना अच्छा है सुंदर व्यू, और पहाड़ियाँ देखिए, और ये देखिए गांव में सीढ़ी इस तरह से होती है, और ये देखिए। फिर हमने थोड़ा वेट किया कि ताकि फिर ये अपना जो ब्रेकफास्ट है अपना आराम से फिनिश कर ले,
लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी फिनिश कर लिया और फिर उसके बाद हमारी हेल्प की जो हमें चाहिए था। फिर हमने इनको पूछा, कोई डिटेल पूछी इनकी है, कोई वो तो नहीं है आपको कोई डायबिटीज़ ये वो, लेकिन ये फिट और फाइन थे। और फिर हमने जो अपना जो काम था आशा वर्कर्स का उन्होंने कंप्लीट किया। देखिए यार, फिर इन्होंने कितना कोऑपरेट किया, हमें बैठने के लिए सब कुछ ऑफर किया और मैं चारों ओर का व्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। सो गाइज़, यदि आप मेरे चैनल में हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी हर एक वीडियो आए सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।